नमस्कार दोस्तों, मेरी कोलंबिया ट्रैवल सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं मेडिचिन और आपको एक बहुत ही बेहतरीन जगह ले जाऊंगा आज मैं। और भाइयों, अगर आपने मेरी बोगोटा की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लें, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों, मैं बोगोटा से मेडिचिन आया, जो 1 सवा घंटे की फ़्लाइट थी। फिर वहाँ से ही मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ग्वातापे, जो बहुत फेमस जगह है, ये जो है फेमस रॉक बोलते हैं इसको, ये मेडिजीन के पास है। कुछ 1.25 घंटे की बस की जर्नी है, जो मैंने नॉर्थ बस स्टेशन से बस पकड़ी और वो कुछ 40,000 पेसो लगे उसमें मेरे। और बहुत ही अच्छी प्लेजेंट जर्नी थी। अगर मैं दोबारा कभी बुक करूँगा तो शायद मैं टूर ही बुक कर लेता, क्योंकि इतनी कॉस्ट का डिफरेंस नहीं था। तो आइए चलें और देखें ये जो बहुत फेमस, जो कोलंबिया का ये टूरिस्ट प्लेस है ग्वातापे, और देखते हैं कि यहाँ क्या है। तो एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ सीढ़ियाँ बहुत हैं, तो कंफर्टेबल शूज़ लेके आएँ, स्नैक्स वगैरह, पानी वगैरह लेके आएँ, क्योंकि धूप बहुत थी, गर्मी भी बहुत थी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ग्वातापे। एक बात और दोस्तों, जो मेरे से थोड़ी गलती हो गई, इस रॉक के पास ही एक बहुत ही सुंदर कोलंबियन विलेज भी है, गांव भी है, और जो मैं नहीं देख पाया तो उसका मेरे को पछतावा रहेगा। पर आप यहाँ आ रहे हैं तो ज़रूर वो गांव भी जाएं, तो इसलिए थोड़ा टाइम अपने पास, समय ज़रूर रखें अपने पास। तो ये जो आप देख सकते हैं, जैसे आप रॉक की तरफ अप्रोच करेंगे तो चारों तरफ ये जैसे होता है हर टूरिस्ट प्लेस में, जो शॉप्स हैं और आप यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं, खाने का भी सामान ले सकते हैं। और जो बिल्कुल अगर टॉयलेट वगैरह है, तो यहाँ पे इन्होंने टिकट ऑफिस के साथ ही टॉयलेट बनाए हैं। शायद उसका बहुत छोटा नॉमिनल चार्ज है, बट अगर आपको टॉयलेट जाना है तो यहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी भी है। मेरे तो सीढ़ी देख के ही पसीने छूट रहे थे, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि जब मैं इन माय अर्ली 20s और इतनी फिटनेस नहीं है। तो ये भी ख्याल रखें, अगर आप फिट नहीं है तो आराम आराम से ऊपर जाएं। तो मैं भी आराम आराम से ही ऊपर गया। मेरे को लगा आई थिंक आधा घंटा, मतलब 20 मिनट्स लग गए मेरे को शायद ऊपर पहुँचने में, पर काफ़ी सीढ़ियाँ हैं तो उसका भी आप ध्यान रखें। जैसे जैसे ऊपर हम चढ़ रहे थे तो हमें व्यूज़ दिख रहे थे कि बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। तो ये वाटर बॉडीज़ हैं इस रॉक के चारों तरफ। ये प्री बहुत ही जुरासिक या प्री हिस्टोरिक रॉक है, और ये इसके जो ऊपर आप पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि जो मेहनत करी है आपने वो बिल्कुल वर्थ इट थी। इसका मतलब जो है, जो पसीना बहाया वो वर्थ इट था। और देख सकते, बहुत सीढ़ियाँ थी दोस्तों, और बहुत टाइम लगा, और गर्मी भी बहुत थी, पर जब एक बार मैं ऊपर पहुंच गया तो लगा कि वाकई इट वाज वर्थ इट। तो अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में कि जब आप ऊपर, मैं आपको ऊपर से नज़ारे दिखाऊंगा तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जवान बच्चे बूढ़े, थकावट हो जाती है, और ऊपर जाते हुए मेरे को वैष्णो देवी की यात्रा की भी याद आ रही थी दोस्तों। तो चलिए देखिए, ऊपर पहुंचने के बाद ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पूरा ब्यूटीफुल देख सकते हैं ये वाटर बॉडीज़, जो ये वाटर स्टोर करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे होटल्स भी हैं, मतलब जो मैं विलेज कह रहा था आपको, आप आएंगे तो बस मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर, और बहुत ही उस दिन क्लियर डे था, सूर्य देवता के पूरे अपने दर्शन, भला पूरे वो अपने रूप में थे,
और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा। मैं काश मेरे एक्चुअली में ड्रोन वहाँ अलाउड नहीं है, और ये मैंने उस वक्त नया नया ये व्लॉगिंग शुरू किया था, तो मेरे से व्लॉगिंग भी ठीक से हो नहीं पाई। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा जिधर भी जाएंगे। तो एक बात और दोस्तों, यहाँ पर भी खाने पीने का सामान और दुकानें हैं, अगर आप खाना पीना अगर चाहें फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं। और मैं जैसे आपको नीचे बता रहा था कि टॉयलेट्स, यहाँ पर टॉयलेट्स हैं पहले उसके पर उसका चार्ज है, पर जो नीचे वाले टॉयलेट्स हैं वो फ्री हैं। तो दोस्तों मैं अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप इसको सिर्फ आप इंजॉय करें। और ये जो डिटेल्स हैं ग्वाटापे की, टिकट इन्फॉर्मेशन वगैरह सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और आप सिर्फ ये जो वीडियो है इसको एंजॉय करें, व्यूज़ को एंजॉय करें, और फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों यहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड भी है, 1 घंटे की है, नहीं 10 मिनट की या 15 मिनट की बता रहे थे, 150-200 डॉलर की। वो तो मैंने अगर आया ये ना मैंने उसका मतलब नहीं समझा समझा कि मेरे को ज़रूरत है उसकी, बट अगर आप करना चाहें तो हेलीकॉप्टर राइड भी है इधर आसपास, वो हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं आपको। तो दोस्तों अब फिर कुछ समय बिताने के बाद फिर अभी नीचे चलने की बारी है, तो अभी दोबारा उसी रास्ते वापस पर, अभी रास्ता आसान होगा क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि एक बात मैं आपसे कहूँगा कि कोलंबिया जो है बहुत ही सुंदर देश है, और आगे आने वाली सीरीज़ में भी आप आपको देखेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं मेडजीन आपको दिखाऊँगा, फिर उसके बाद हम जाएंगे सेंटा मार्टा जो बहुत ही सुंदर एक बीच कोस्टल सिटी है, और उसके बाद जो बारंकिया जो बहुत ही फेमस साउथ अमेरिका का, जैसे ब्राज़ील का कार्निवल होता है वैसे ही बारंकिया में भी कार्निवल होता है दोस्तों, बहुत ही 3 दिन चलता है वो कार्निवल। तो मैं बारंकिया भी गया था और मैंने कार्निवल भी कवर किया था, तो मैं आपको कार्निवल के वीडियोस भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहें सीरीज़ में, और यू नो आप सब्सक्राइब कमेंट और लाइक करेंगे तो मेरे को प्रोत्साहन मिलता है, मेरी हौसला अफज़ाई होती है, तो वो भी करें प्लीज़। और चलिए आगे आपको वीडियो दिखाते हैं।
दोस्तों नीचे उतरने के बाद मैंने जैसे बताया था यहाँ पे शॉप्स हैं, आप सुवेनियर वगैरह ले सकते हैं और कुछ खाना पीना चाहें तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। नॉर्मली मैं अपना खाना साथ ही लेकर चलता हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो कई बार थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो मैं अपना सैंडविच, फ्रूट्स वगैरह, पानी वगैरह साथ लेकर चलता हूँ। तो अब हम चलेंगे बस स्टॉप की तरफ। तो ये बस जो लोकल बस है, कोई टूरिस्ट की बस नहीं है, ये लोकल लोग भी इसी में ट्रैवल करते हैं। तो मैंने भी वही डिसाइड किया था कि मैं लोकल्स की तरह ही एक्सप्लोर करूँगा कोलंबिया। तो ये इनके जो थे फाउंडर है, जिन्होंने ये ग्वातापे का ये पूरा डिस्कवर किया, पूरा ये एरिया। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब कोलंबियन फैमिलीज़ हैं, आपको फॉरेनर्स इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे होंगे सब की सब जो है लोकल ही लोग हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर था। बस अब एक ही वो थोड़ा सा मलाल रहा दिल में कि वो जो विलेज मेरा रह गया, वो काश मैं मेरे दिमाग से निकल गया एक्चुअल में, नहीं तो मैं वो भी कवर करता। वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 15-20 मिनट यहाँ से, रॉक से। पर चलिए अगली बार अगर ईश्वर ने चाहा तो फिर दोबारा जाके वो विलेज भी देखेंगे। बट अभी मैं बस पकड़ेंगे और वापस 1.25 घंटे की जो बस राइड बैक टू मेडिजीन। तो दोस्तों पूरा दिन ही लग गया पर बहुत मज़ा आया और मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा। अगर आप इस एरिया में हैं तो ये ज़रूर विज़िट करें, आप रियली इन्जॉय करेंगे जैसे मैंने इन्जॉय किया। चलिए दोस्तों फिर अभी और वीडियोस आ रहे हैं कोलंबिया ट्रैवल सीरीज़ के, तो वापस ज़रूर आएँ और सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करें, लाइक करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।